दिन है तो अच्छा भी लग रहा है बुरा भी लग रहा है कि काम खत्म हो गया, लेकिन थकान भी है कुछ भी अच्छा लगा नैनीताल आके, अच्छा लगा काम करके। इतने दिन पहले तो दो ही दिन रह पाया था इस बार, हाँ उस समय चिंटू अंकल और पृथ्वीराज के साथ आया था। अभी ऑलमोस्ट इसमें 25 दिन हो गए इस बार तो पूरी तरह से। एक और फिल्म के लिए भी आए थे ना पिंकी फरार, कुछ पिथौरागढ़ आई थी, नहीं हल्द्वानी में भी शूट था, हल्द्वानी में एक तो 3 घंटे का बस अड्डे का कुछ, मतलब हल्द्वानी और नैनीताल में कितना 1.5 घंटे का फर्क, 1.5 घंटे का फर्क। तो आपने हल्द्वानी भी पकड़ लिया, हाँ हल्द्वानी में एक दिन की शूट थी, पिथौरागढ़ में ज्यादा शूट, एक तरह से नैनीताल जिले में तीसरी फिल्म थी आपकी। हाँ अगर देखा जाए तो वैसे तो आप सही कह रहे हो, लेकिन मेरे दिमाग में नैनीताल अलग और हल्द्वानी अलग। थैंक यू। चलो देखिए पहली बार आया था तो 2 ही दिन बिता पाया था, औरंगजेब की शूट थी, करीब मैं मानता हूँ 8 या 9 साल हो गए, 2013 की बात है। अब आके आ रहा हूँ तो 20-25 दिन की शूट की है, बाकायदा 30 दिन रहे। जैसे मैं देख रहा हूँ इस बार सीजन में आया हूँ तो टूरिज्म इतनी टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इतनी अच्छी चल रही है कि हमें शूटिंग पर पहुँचने में भी टाइम लगता है, बिकॉज इतने लोग आए हुए हैं इंजॉय कर रहे हैं। तो नैनीताल मैं कहूँगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से तो बहुत ही अच्छी जगह है आने के लिए। शूटिंग के लिए हमने पहली बार की है तो पहली बार इतना लंबा शेड्यूल करने की वजह से कुछ चीज़ें हम भी सीख पाए, लेकिन आगे चल के हमारे एक्सपीरियंस के वजह से और अजय सर इसके पहले ब्लर भी शूट कर चुके हैं तो उनके एक्सपीरियंस की वजह से आई थिंक आसानी होती जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि जो लोकल लेवल पे लोग हैं वो भी मदद करेंगे। यहाँ पे एक अच्छी बात ये रही है कि आप सबको मिलाकर भी और लोकल लोगों को मिला कर भी कोई हमें परेशानी नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं आई है, नो स्पीड ब्रेकर्स बिकॉज ऑफ एनी इश्यूज होता ना, कई बार हम कहीं जाते हैं तो कुछ इश्यूज खड़े हो सकते हैं, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। तो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबॉडी, एवरी पर्सन हु लिव्स इन नैनीताल हुज मेड इट इजियर फॉर अस टू शूट। कितना कितना लगता है और नैनीताल के लिए कितनी संभावना है नैनीताल में? देखिए सर अच्छे बड़े बजट की, अभी देखिए बजट बड़ा हो या छोटा हो पहले तो गवर्नमेंट और लोकल लेवल पे आपको हमको खुले दिल से वेलकम करना पड़ेगा। जो इस फिल्म में हुआ है ब्लर में हुआ है तो शुरुआत हुई है, मैं कहूँगा पहाड़ों का एक अलग कलर होता है, एक अलग टेक्सचर होता है, एक अलग रंग होता है। जब जैसे आप मानेंगे हमने जब लखनऊ में इशकजादे की थी उसके बाद लखनऊ का कलर खुल गया था, बहुत सारी पिक्चरें वहाँ आई थी, तो धीरे धीरे वो मुझे लगता है बिकॉज वी शॉट हियर वी बीन एबल टू एक्सप्लॉइट दिस लोकेशन, आई थिंक उस वजह से और लोग देखेंगे तो उन्हें भी लगेगा चलो हम इधर आ सकते हैं। एक अच्छी बात है कि बरेली से फ्लाइट आती है डायरेक्टली, हम बॉम्बे से लैंड करके बरेली से 2.5-3 घंटे ड्राइव करके आ सकते हैं, और दिल्ली भी दूर नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो देहरादून ड्राइव करना या नैनीताल ड्राइव करना सेम पड़ता है, तो उस हिसाब से आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट। अभी धीरे धीरे देखते हैं हमारी पिक्चर लगेगी तो आई एम श्योर आप सबको भी अंदाजा होगा कि कितनी अच्छी तरह यूज किया। हम वही देख रहे हैं, वही हम पूछना चाहते हैं सर, मतलब फिल्म में आउटडोर कुछ दिखाई अच्छा लगा? आप आइए ना फिल्म देखने। हाँ नहीं आएंगे तब, अभी के अभी आप कुछ स्टोरी के बारे में कुछ बता दें किस तरीके की पिक्चर बन रही है। देखिए स्टोरी के बारे में इस वक्त तो बहुत जल्दी है, लेकिन आपको एक संक्षेप में अगर 2-3 पंक्तियां कह सकता तो वही कहूंगा कि फिल्म का नाम है लेडी किलर, इसमें भूमि पेडनेकर और मैं साथ में। कोर लेवल पे एक रोमांटिक कहानी है लेकिन उसमें एक थ्रिल भी है क्योंकि मैं एक छोटे शहर का कह लीजिए कैसेनोवा या प्लेबॉय प्ले करता हूँ, जो कहीं ना कहीं एक लड़की के चक्कर में ऐसा फंसता है, उसे लगता है वो उसे संभाल लेगा, लेकिन अंत में मैं कहूँगा कि रिलेशनशिप ऐसी होती है कि एक गेम चालू हो जाती है रिलेशनशिप में, तो इट्स अ रोमांटिक थ्रिलर। सिंपल सी चीज़ें अगर रास्ते थोड़े बड़े हो जाएंगे, अगर आना जाना थोड़ा आसान हो जाएगा, अगर कुछ लोकेशंस पे हमको एरियाज मिल जाएंगे जहाँ पे हम अपना सेटअप बना सकते हैं, जैसे हमने लेक के बगल में शूट किया था तो एक बहुत बड़ा अच्छा क्रिकेट का ग्राउंड भी है वहाँ पे एकदम मस्जिद के बगल में, तो हम वहाँ पे सेटअप बना पाए थे। तो धीरे धीरे मुझे लगता है जब लोग समझेंगे तो थोड़ी सी ट्रैफिक अगर खुल जाएगी, अगर लोकल लेवल पे वो समझ में आने लगेगा। पर हम सीजन में आए तो अफसोस की बात यह कि वी कैन नॉट कॉमेंट ऑन सीजन और ऑफ सीजन में कितना फर्क पड़ता है। तो आई वुड लाइक टू से कि ये इट्स अ 50-50 थिंग, हमें भी करेक्ट टाइम पे आना पड़ेगा और साथ ही में शायद लोकल लेवल पे कुछ रास्ते खुलवाने पड़ेंगे या बंद करवाने पड़ेंगे ताकि हमें आसानी हो सके, बिकॉज वी डोंट वांट टू अपसेट द टूरिस्ट, वी डोंट वांट टू अपसेट द लोकल बिजनेस। क्या है किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए हमारे काम की वजह से, साथ ही में नैनीताल को अच्छी तरह दर्शाया जाना चाहिए। तो वो एक बैलेंस लाने के लिए आप मान लीजिए जो अभी मॉल रोड का एरिया है जहाँ पे अगर हम शूट करना चाहें तो हम बीच में दिन के तो जाएंगे तो फंस जाएंगे ऐसा कि लोगों को कठिनाई होगी और लोगों की प्रॉब्लम्स होगी। तो कहीं ना कहीं अगर वो हो सके कि सुबह 3-4 घंटे मिल जाए, शाम को 3-4 घंटे मिल जाए, तो हम वो चीजें बेटर प्लान कर पाएंगे। बट ये बात की बात, लैंग्वेज कोई भी हो, टू क्रिएट अ कॉन्वर्सेशन अबाउट साउथ हो नॉर्थ हो, हम जब पंजाबी पिक्चर अप्रिशिएट करते हैं, मराठी पिक्चर अप्रिशिएट करते हैं, बंगाली कल्चर और उनका आर्ट अप्रिशिएट करते हैं, साउथ की पिक्चर है मैं ये कहूँगा साउथ भी नहीं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, वी शुड रिस्पेक्ट दैट देयर ऑल डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स,
वो सालों से अच्छी पिक्चरें बनती आ रही है। मेरे फादर ने बहुत सालों से रीमेक किए पिक्चर। यस, आप जुदाई देख लीजिए, हमारा दिल आपके पास है देख लीजिए, वांटेड देख लीजिए। तो हमेशा एक रिस्पेक्ट रहा है बिटवीन द कम्युनिटीज, एंड आई थिंक वी शुड नॉट क्रिएट अ सिचुएशन जहां पे एक डिवाइड बनाया जाए कि यार वो चल रही है हमारी नहीं चल रही। फेजेस होते हैं, चीजें होती है। इस वक्त वो जिस तरह का सिनेमा दर्शा रहे हैं वो आम आदमी को बहुत पसंद आ रहा है, हम उसे सीख रहे हैं, हम उसे समझ रहे हैं, हमने भी वही सिनेमा बनाया। अगर आप देखेंगे तो हमारी फिल्मों में भी वही छवि रही है। हिंदुस्तान तो एक ही है और एंटरटेन करने का मकसद भी एक ही है। तो ये साउथ नॉर्थ का डिवाइड जब आने लगता है बातों में ना, तो ऐसे लगता है कि कोई रेस है। इवेंचुअली रेस शुड ओनली बी टू एंटरटेन ऑल ऑफ यू ऑल, नॉट फॉर विच लैंग्वेज इज डूइंग बेटर एंड विच लैंग्वेज। बिकॉज अगर देखा जाए तो हमारी पिक्चर उनके लैंग्वेज में डब होती है, उनकी फिल्में हमारी लैंग्वेज में डब होती है। हम आज टीवी पे देख पाते हैं, अब डिजिटल पे देख पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट तो कॉमन चीज है। फादर प्रोड्यूसर थे ना सर, वो तो पिक्चरें बनाते थे, हम तो आके सिर्फ कलाकार है, काम करके चले जाते। भी काम किया सर। माय फादर इज, हिज लेगेसी इज टू बिग फॉर मी टू कंपेयर, बट ऑब्वियसली उन्होंने जिस तरह की फिल्में बनाई हमारे फैमिली ने कह लीजिए, अगर वो नहीं होते तो मैं आज आपके सामने नहीं होता। कहीं ना कहीं हमें फिल्मों से लगाव है, लोगों को एंटरटेन करने से लगाव है, वो चीज़ मैं उनसे सीखा हूँ। वो बहुत दिलदार आदमी है, मैं मानता हूँ मैं भी उतना ही दिलदार हूँ, शायद थोड़ा प्रैक्टिकल हूँ इन कंपैरिजन, नई जनरेशन थोड़ी प्रैक्टिकल। बहुत अच्छा लग रहा है सर, देखिए स्माइल मेरे चेहरे पे आज भी है 30 दिन शूटिंग करने के बाद। बिकॉज लाइक आई सेड, हॉस्पिटैलिटी बहुत बढ़िया रही है, हमें लोकल लेवल पे किसी ने तंग नहीं किया, वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब पॉजिटिव एनर्जी मिलती है लोकेशन से तो हमेशा अच्छा लगता है। जो लोकल लेवल पे हमारे साथ जो लाइन प्रोड्यूसर थे, जो हमारे हमारी पूरी टीम है, बहुत मुश्किल फिल्म है बिकॉज इट इज अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्म। तो अच्छी बात यह है कि हमको बाहर से कोई स्ट्रेस नहीं आया, जो भी था हमको अंदर काम करने का मौका।